नमस्कार, मैं हूं साक्षी शिवा और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी के लोग गलतफहमी के शिकार हैं और अति पिछड़ा समाज बीजेपी की ओर शिफ्ट नहीं हुआ है और कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की जीत होगी। वहीं गोपालगंज में बीजेपी की जीत को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि गोपालगंज में पार्टी नहीं बल्कि सहानुभूति की जीत हुई है। अनुभूति की जीत हुई है, किसी पार्टी की जीत नहीं हुई है। अति पिछड़ा समाज के लोग पूरे तौर पे कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में नीतीश जी के साथ हैं, महागठबंधन जेडीयू के साथ है और वहाँ जीतने में कहीं कोई कठिनाई ही नहीं है, पक्की है, गारंटी है जीत। लोग सिर्फ अपनी बात किसी तरह से झूठ बोल करके, गलत बोल करके जनता के बीच पहुंचा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि बिहार में प्रशासन पूरी तरह से फेल है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री के जनता राज में प्रशासनिक अराजकता है। आज अब जंगल राज से ज्यादा कि गुंडों को बुलाता है समय देख करके, एक घंटा रूप में हम बता देते हैं और उस समय में प्रशासन को जब सूचित होता है तो प्रशासन नहीं पहुंचता है, लेकिन गुंडा अपने समय से आता है। भरे बाजार के अंदर, भीड़ के अंदर दिन दहाड़े गोली मारता है और भागता है, पब्लिक दौड़ करके उसको पकड़ती है, वो बैंक में चुकता है और उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करती है और तब पुलिस पहुंचती है कि उस गुंडों को कोई नुकसान ना हो, संरक्षित और सुरक्षित करके गुंडों को थाना ले जाती है, मेहमानबाजी करती है। पूरी तरह से पुलिस प्रशासन फेल है। डीजीपी को फोन लगाया जाता है, कल भी डीजीपी को फोन लगाया गया, डीजीपी फोन नहीं उठाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पूरी अराजकता, प्रशासनिक अराजकता माननीय मुख्यमंत्री जी आपका जनता राज्य में है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। आपको बता दें कि एनडीए, महागठबंधन, वीआईपी, एआईएमआईएम सहित निर्दलीय और अन्य कई पार्टी से 13 प्रत्याशी खुद की जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं उपचुनाव काफी रोचक होता दिख रहा है क्योंकि एनडीए से बीजेपी उम्मीदवार और महागठबंधन से जदयू के उम्मीदवार दोनों ही पूर्व विधायक रह चुके हैं। इस अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन किया था उसमें 13 लोगों का जो नाम निर्देशन पत्र है वो सही पाया गया, उनका स्वीकृत हुआ, बाकी 8 लोग का अस्वीकृत हुआ, का गलत पाया गया। 21 नवंबर 3 बजे तक अपराह्न तक लोग नाम वापस ले सकेंगे, उसके बाद सिंबल अलॉटमेंट होगा। जनसुराज पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर प्रखंड स्थित हाई स्कूल प्रांगण में मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में नेताओं को कुछ भी बोलने की आदत है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने 10 लाख लोगों को पहले सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी और इतने लोगों को एक साल में सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है। लेकिन जो नीतीश कुमार जी हैं, जो 15 साल 16 साल से इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि ये आदमी जो 16 साल से मुख्यमंत्री है वो अचानक से 15 अगस्त को कहते हैं कि मैं 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दूंगा।